हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल जी। मैं पंजाब टीवी, मैं तो दोस्त अमीत सिंह। सो ये मेन चैनल अपना, बाकी चैनल अभी है। देखो आदि प्रमोशन करनी शुरू कर दें, ये बंदे बड़े खराब। सो एनीवेज गाइस, जी आज की वीडियो वो होने वाली है भी कोक स्टूडियो से। कोक स्टूडियो ने जो बाकमाल काम किया बीते दिनों पाकिस्तान छाए पे है, तो इंडिया वाले कहें असी कदों पिछे रहिए, सानू की होया, असं भी काम करा। तो देखो जी, मैं थोड़ा थोड़ी जी एक ब्रीफ जहा दिना। कोक स्टूडियो जरा पाकिस्तान दे विच सी, वो स्टार्ट होया सी 8 जून 2008 नू। वखरे वखरे तरह के प्रोड्यूसर्स रहे हैं, जुल्फी भाजी, रोहेल जिन्होंने बड़ा टाइम काम किया, अली हमजा, जोहेब काजी, ठीक है, ये सारे रहे हैं। तो 2008 तो यह कंटीन्यूसली उदा ही काम चल रहा, क्वालिटी बहुत इंप्रूव हुई है। कोक स्टूडियो जेकर इंडिया की गल करिए, 17 जून 2011 स्टार्ट होया। पहला उन्होंने उधर शुरू किया क्योंकि उधर शायद सूफीजम ज़्यादा, तो दैट्स वाई, जो उधर गायकी ज़्यादा, नो डाउट इधर भी है, लेकिन पाकिस्तान एक हब मनिया जाता है, ठीक है, गायकी का, मनो या ना मनो। कि जड़े कई लोग मैंने कह के तेन ज़्यादा पसंद है पाकिस्तान का कोक स्टूडियो, जावड़ा उधर ही जावड़ा, मैंने कई जने कमेंट करते हैं, कहें तू पाकिस्तान की वीडियो बना ना। मैं क्या हाँ जी, चलो काका जी उधर ही जावड़ो, कहें इदा दल्ला होंगे है, मतलब माइंड सैट पता नहीं लोगों के किदा दे। एनीवेज, सो 2011 स्टार्ट होया, लेकिन चंगी तरह चल नहीं पाया। तो फिर इन्होंने की किया 2021, आई थिंक एक मिनट आ रहा, 2021 इन्होंने जोड़ा ग्लोबली द्वारा कोक स्टूडियो इन्होंने रीबिल्ड किया, तो इन्होंने नाम चेंज करके रखता कोक स्टूडियो भारत, ठीक है। तो हूँ उस तो बाद जिहड़ियां वीडियोज़ पाउणियां अपलोड शुरू हो चुके हैं। इत्थे देखो 5 मिलियन सबसक्राइबर हो चुके हैं कोक स्टूडियो इंडिया के, जिदे विच बीते दिनों दे विच इन्होंने आह वीडियो पाई है 8 दिन पहला। तो जेकर गल करिए, 640 के करीब वीडियोज़ है चैनल के, 5 मिलियन सबसक्राइबर, 640 के करीब वीडियोज़। तो दूजी साइड जेकर कोक स्टूडियो पाकिस्तान वाली की गल करिए, 14 मिलियन सबसक्राइबरस एंड वीडियो है 565, घट्टो घट 80 वीडियो घट उन्हां तों, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का कोक स्टूडियो ज़्यादा कैंट है। ये देखो, ये ग्लोबली सारे लोगों को पता, ये कोई दो राय नहीं। सो एक वीडियो है जिद कुछ की पॉइंट्स की गल की गई है कि जिहड़ा पाकिस्तान का कोक स्टूडियो क्यों बेस्ट है, वो देखते हैं बिना किसी देर तो, वीडियो करांगे शुरू। तो आज की जो वीडियो है, मुझे बनाते हुए कसम से बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि आई लव कोक स्टूडियो, प्रोबेबली इट्स माय ऑल टाइम फेवरेट म्यूजिक रिलेटेड शो। तो लोगों को मैंने अक्सर सुनते हुए देखा है और देखते हुए मेरा भी वो कोक स्टूडियो पाकिस्तान को ज्यादा बेटर मानते हैं, और ऐसा मुझे भी लगता है। यही याद है ना, काना यारी दारी इश्क ना मैं कर, आते भी यही डायलॉग मरे ना इन्हें, ऐसा मुझे भी लगता है। पाकिस्तान चला जा, कुछ तो बात है कोक स्टूडियो पाकिस्तान में, मतलब ऐसा है कि आखिर पाकिस्तान के कोक स्टूडियो में, हम उस बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कोक स्टूडियो पाकिस्तान में ऐसी क्या खास बात है, कोक स्टूडियो इंडिया में नहीं दिखी हमें, जिस वजह से उसे ज्यादा व्यूअरशिप नहीं मिली और वो इवेंचुअली 5-6 सीजन के बाद बंद हो गया। सो द मेन फैक्टर व्हाट मेक्स कोक स्टूडियो पाकिस्तान वेरी स्पेशल इज द प्रोडक्शन क्वालिटी, एंड एवरी टाइम दे इंक्रीज प्रोडक्शन क्वालिटी, साउंड डिजाइन, दैट्स एपिक यार, एपिक। इतनी डिटेल्ड साउंड होती है ना कोक स्टूडियो की, इतनी अच्छी साउंड होती है कि ऐसा लगता है कि हम स्टूडियो में ही बैठे हुए हैं, कोक स्टूडियो में ही बैठे हुए हैं हम और लाइव सुन रहे हैं। बहुत ही एक रिच साउंड आती है कोक स्टूडियो में, हमें मतलब ये सुनाई देता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ बैठा हुआ है। हर इंस्ट्रूमेंट की अगर गिटार लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है तो आपको गाने में गिटार की आवाज लेफ्ट साइड से ही आएगी। ड्रमर अगर सामने बैठा हुआ है तो आपको ड्रमर की आवाज सामने से ही आएगी, ड्रम्स की आवाज सामने से ही लाइव ही शूट करते हैं। हर इंस्ट्रूमेंट की आवाज जैसे बिखरी हुई है, ऐसा लगता है कि आप अगर अच्छे हेडफोन्स है आपके पास तो आपको ऐसा लगेगा कि आप स्टूडियो में बैठे हुए हो, यू आर इन दैट एनवायरमेंट, आपको ऐसा लगेगा। सो दैट काइंड ऑफ डिटेलिंग इज ऑसम मैन। जो दूसरा फैक्टर है वो ये है कि सिंगर भाई वो नवे नवे जाकर आर चोजन अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग, अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन, कि कौन सा सिंगर इस गाने को जस्टिस दे पाएगा। मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए हम सिंगर को नहीं चुनते हैं इन गानों में कि हाँ ये सिंगर गाएगा तो ये गाना हिट हो जाएगा, इस नजरिए से सिंगर्स को नहीं चुना जाता है कोक स्टूडियो पाकिस्तान में, बल्कि इस नजरिए से चुना जाता है कि कौन सा सिंगर इस कंपोजिशन को जस्टिस दे पाएगा। इंडिया दे विच ये चीज़ लागू नहीं होंदी, इंडिया दे विच वो सिर्फ वही सिंगर नू लैंदे जिहड़ा ऑलरेडी इस्टैबलिश्ड है, जां किसे वड्डे सारे सिंगर नू हीरो नू विच डांस करा देंदे है, जिहदी की लोड़ ही नहीं यार। जदों कोक स्टूडियो है ही एक म्यूजिकल जर्नी, तो फिर उन्हें म्यूजिक तक ही रखो ना। अगर कोई डुएट सॉन्ग है तो कौन से दो सिंगर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और कॉम्पोजिशन को भी उसी टाइम जस्टिस देंगे, दैट्स हाउ पैशनेट दे आर मैन। नाउ द थर्ड फैक्टर विच मेक्स कोक स्टूडियो पाकिस्तान रियली रियली स्पेशल इज द यूज ऑफ बैकिंग वोकल्स।
बैकिंग वोकल्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे कोक स्टूडियो पाकिस्तान के गानों में। अबे कौन बाइक चला रहा है, कौन भौंक रहा है, ये बदतमीज। जो टिपिकली हार्मनीज या फिर बैकिंग वोकल्स दे रहे होते हैं या कोरस दे रहे होते हैं, उनका यूज लगभग हर गाने में होता है कोक स्टूडियो के। एक्स्ट्रा एम्फेसिस देता है आपको वो किसी किसी लाइन में, किसी किसी शब्द में, और वो कॉम्पोजिशन को चार चांद लगा देता है। अब हम कोक स्टूडियो पाकिस्तान की उन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो असल में कोक स्टूडियो पाकिस्तान को कोक स्टूडियो इंडिया से बेहतर या फिर डिफरेंट बनाता है। उनमें से सबसे पहली चीज है स्ट्रिंग सेक्शन। हाँ, स्ट्रिंग बहुत जबरदस्त है नानिया। The use of string section in Coke Studio. String section यानी कि violins, violas का group, cello का group, ये जो strings, इन्हें string section बोला जाता है। जहाँ तक मुझे याद है सीजन 6 से लेकर या फिर सीजन 7 से सीजन 10 तक में बहुत ज्यादा यूज हुआ था और बहुत ही अच्छी तरीके से यूज हुआ था, बहुत ही उम्दा यूज हुआ था स्ट्रिंग्स का। कहीं पे भी किसी भी गाने में अगर स्ट्रिंग सेक्शन हो, किसी भी गाने में अगर ग्रुप ऑफ वायलिंस, वियोलास, चेलोज हो, देयर इज गाना बी डिफरेंस, देयर इज गाना बी एक्स्ट्रा फील, देयर इज गाना बी एन एनवायरनमेंट, एक माहौल बन जाता है। मेरे हिसाब से ये इंस्ट्रूमेंट्स गाने को बहुत बेहतर बना देते हैं, जो कि हमारे कोक स्टूडियो में नहीं होता था। कोक स्टूडियो इंडिया में शायद ही कोई ऐसा गाना हो जिसमें स्ट्रिंग सेक्शन का यूज हुआ है, पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग ऑर्केस्ट्रा हो यहाँ पे। बट कोक स्टूडियो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे गाने और बहुत ही उम्दा यूज हुआ है उन इंस्ट्रूमेंट्स का। ऐसा भी नहीं कि कुछ ज्यादा यूज कर दिया, मतलब शोषण ही कर दिया बिल्कुल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ही कम यूज किया है, मतलब ऐसा लग रहा है कि यूज हुआ भी है, कि बस उन्हें बैठा रखा है टुंटे ने लेके अपने अपने। एंड द नेक्स्ट बिग फैक्टर व्हिच मेक्स द कोक स्टूडियो पाकिस्तान रियली स्पेशल इज द प्रोड्यूसर्स। मैं यही गल बिरे कहन लगा सी उन्हें। और प्रोड्यूसर्स कौन है? द म्यूजिक अरेंजर्स, द म्यूजिक अरेंजर्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। सीजन 1 से लेकर 6 तक रोहेल हयात नाम के एक म्यूजिशियन ने प्रोड्यूस किए थे एंड दे वर फैंटास्टिक। उनमें से कुछ गाने मुझे बहुत पसंद है, शफकत अमानत अली का एपिसोड मुझे बहुत पसंद है, आतिफ असलम का एपिसोड मुझे बहुत पसंद है, खासकर जलपरी, आई रियली लव जलपरी। अगर उसके बाद वाले सीजन्स में आते हैं तो जो कोक स्टूडियो का क्वालिटी का ग्राफ यूं जा रहा था, म्यूजिकल क्वालिटी का, वो सीजन 7 में आते ही यूं हो गया, मतलब स्टॉन्ग्स शॉट अप। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सीजन 7 के बाद प्रोड्यूसर्स चेंज हुए थे और प्रोड्यूसर्स कौन थे? द स्ट्रिंग्स बैंड। अगर आप लोग नहीं जानते हैं स्ट्रिंग्स बैंड के बारे में, देन आई रियली फील सैड फॉर यू। बहुत ही उम्दा गाने हैं इन लोगों के, जैसे कि भूल गए कोई आने वाला, धड़कन कह रही है यहाँ कोई आने वाला है, बहुत ही अच्छा गाना था ये। अगर आप लोगों ने नहीं सुना ना भाई, दया करो अपने ऊपर, सुन लो वो गाना, बहुत ही अच्छा गाना है। एक गाना था दूर, बहुत ही अच्छा गाना है, ना जाने क्यों, बहुत से ऐसे गाने हैं, बहुत से सुंदर गाने हैं इनके। एंड मैन, मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतने जीनियस बंदे हैं जब तक ये लोग कोक स्टूडियो में नहीं आए। कोक स्टूडियो में इन्होंने सीजन 7 में जैसे ही एंट्री मारी है ना बॉस, पूरा म्यूजिक गेम बदल दिया इन लोगों ने। दे मेड सम रिवोल्यूशनरी म्यूजिक। स्ट्रिंग्स बैंड के दो बंदों ने, बिलाल मकसूद और फैजल कपाड़िया ने प्रोड्यूस किए थे कोक स्टूडियो सीजन 7 के गाने, सीजन 7 के बाद के गाने। और उनके आते ही उन्होंने स्ट्रिंग्स सेक्शन को लाया, जो वायलिन, वियोलास और चेलोस का सेक्शन होता है, उनको बुलाया अपने गानों में। वहीं से साउंड क्वालिटी बेहतर होना शुरू हुई, वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स आई हैव एवर लिसन टू मैन। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि इन लोगों ने कौन कौन से गाने प्रोड्यूस किए हैं। आफरीन आफरीन इन्होंने प्रोड्यूस किया, मैं आऊं, मुंतजिर, तेरा वो प्यार, चाप तिलक, काटे ना कटे रतिया, रॉकस्टार, सयोनी, रंग, बहुत सारे फैंटास्टिक फैंटास्टिक गाने इन लोगों ने प्रोड्यूस किए हैं। आप समझ सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये लोग म्यूजिक को समझते हैं। बट सैडली सीजन 10 के बाद स्ट्रिंग्स ने छोड़ दिया कोक स्टूडियो, अब उसके बाद से दोबारा रॉयल हयात आ गए हैं। मेरे हिसाब से दे वर द बेस्ट फॉर दिस जॉब मैन। एंड द वन एंड द लास्ट फैक्टर व्हिच मेक्स कोक स्टूडियो पाकिस्तान रियली रियली इनक्रेडिबल इज दिस गाय। अहद नयानी, प्रोबेबली द मोस्ट एपिक ड्रमर आई हैव एवर हर्ड इन माय लाइफ, द मोस्ट क्रिएटिव, द मोस्ट पैशनेट ड्रमर आई हैव एवर हर्ड। देयर मे बी लेजेंड्स, मैंने हो सकता है उन्हें ना सुना हो, बट अभी इस दौर तक मैंने इससे अच्छा ड्रमर नहीं सुना है अपनी जिंदगी में। आप लोग कभी भी ध्यान से सुनना, मतलब ये बंदा हर एक टाइम फ्रेम में इम्प्रोवाइज करता है, कैन यू बिलीव इट, हर एक टाइम फ्रेम में एक नई बीट बना देता है ये बंदा, इट्स अनबिलीवेबल। कितना भरा बैठा है ये बंदा पैशन से, टैलेंट से, एंड आई एम रियली ग्लैड कि ये बंदा कोक स्टूडियो में वो चीज निकालता है, ये वो चीज दिखाता है कोक स्टूडियो में। हाँ, सही है।
जितने भी स्ट्रिंग्स ने प्रोड्यूस किए हैं सीजन 7 से लेकर सीजन 10 के जितने भी गाने हैं कोक स्टूडियो के, सब में ये बंदा ड्रमर रहा है और सभी में फाड़ के रख दिया है यार। दिस गाय इज अनबिलीवेबल, दिस गाय इज अ लेजेंड। तो ऐसे म्यूजिशियंस डेफिनेटली बूस्ट अप कर देते हैं किसी भी गाने को, इसीलिए हमें कोक स्टूडियो पाकिस्तान के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही पैशनेट लगते हैं इसीलिए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल। या गाइस प्लीज जाके इन द चैनल जरूर चेक करो, एंड देख पैरोडी है ना देवी देख लीजिए। भाई वो कौन सा गाना है जो शुरुआत में तूने गाया? बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ओके सो गाइस ये सी गया देख वीडियो जिदे विच भाई ने बड़ी चंगी तरह कोख पड़ताल की है। आई मीन के इन्होंने डीपली एनालिसिस किया सारिया चीज़ों नू कि कोक स्टूडियो पाकिस्तान वाला बेहतर क्यों आ। जिन्नी भी इन्होंने चीज़ा दसिया आपू आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा राइट है, काफ़ी ज़्यादा सही है। तो जेकर गल करिए जिदा रोहेल हयात आए हैं है ना, तो उन्होंने बहुत वाकई कोक स्टूडियो नू बहुत देना उन्होंने। तो उस तो बाद हुण जुल्फी भाजी आए, जुल्फी भाई ने जो इस वार का कोक स्टूडियो का जो इन्होंने काम किया ना, मतलब जिहड़ा हुण कोक स्टूडियो आया सीगा लेटेस्ट वर्जन है ना, उहदे विच उन्होंने जो थीम बनाते है जिन्हें भी सी नवें नवें आर्टिस्ट ले है, काना यारी हो गया, तो एक मिनट होर कि गाने से मैं थोड़ा दसदा इन्हों के बहुत जबरदस्त, मतलब इन्होंने कोक स्टूडियो ना एक अलग लैवल पर लै गए। इन्होंने ग्लोबली उस चीज़ को बड़ा वो करता क्योंकि इन्होंने लाइव कॉन्सर्ट भी करवाए अपना सीजन आने बाद, ठीक है। जो वे वे कोई डांस स्टाइल है उन्होंने कोलैब्स कीतियाँ, वे वे ब्रांड्स न कोलैब्स करके जो एक क्विक स्टाइल एक डांस ग्रुप आ, तो उन्होंने बड़ा सोहना किया। पसूड़ी आया गाना, पसूड़ी के रीमिक्स आए, ठीक है। नवे आर्टिस्ट सी हालांकि वह कुड़ी नहीं सी उहदे विच, ते लेकिन वो देखो किन्ना मेरे ख्याल सब तो ज़्यादा व्यूवरशिप वाला गाना पसूड़ी होना। फिर वो फिर मिलेंगे, ठगियाँ, तो बेपरवाह, तो होर भी इदा के बड़े सारे गाने जो एक मैं थोड़ा मैं दिखाई दिना। आ देखो पीछे हट आया, ये दुनिया आया, ठीक है। नेड़े नेड़े बस वे बहुत सोहना सीगा गाना, नेड़े नेड़े बस वे टोला मैंने, महरम आ गया, सज्जन दस, काना यारी आ गया, तू झूम, इतों इन्होंने स्टार्ट की सी तू झूम तो 54 मिलियन। आई थिंक ये जिहड़ा टाइम पीरियड सी ना जेकर आपां इन्हां दी गल करिए कि सब तो ज़्यादा पॉपूलर इन्हां दी वीडियो कीड़ी है। ओके पसूड़ी देखो भाई हुण तक दी सब तो ज़्यादा सुपर डुपर हिट इन्हां दी जो रही है वीडियो वो है पसूड़ी, क्या बात है। अच्छा अज कोक स्टूडियो की गल करें, मेरा दिल करी जाता कि आप कुछ म्यूजिकल वीडियोज़ से रिएक्शन करिए। सो गाइज डू लैट मी नो एंड रिकमेंड सम गुड म्यूजिकल स्टफ, ठीक है, जिदे वधिया होवे, एक क्वालिटी वाला होवे, ते जे क्लेम आता देखी जाऊगी, पर तुसीं मैनू सुजैसट जरूर करो आप कुछ वधिया वधिया इदा दे बैंड्स या कोई कोक स्टूडियो की वीडियो तो मैनू भी दसो, आप भी देखांगे, मज़ा आऊगा यार वेख के सीरीयसली। अच्छा ताजदारे हरम ते आफरीन आफरीन, तू कुजा मन कुजा, तेरा वो प्यार, मन आमा दम, ये भी बड़ा सी मन आमा दे, बड़ा सोहना सी ये भी गाना। आप ऑलरेडी ना कई रिएक्शन किया हो, कई नहीं किया हो, मज़ेदार है यार। हुण पता लग गया ना कि कोक स्टूडियो पाकिस्तान वाला क्यों बेहतर है। इंडिया वाले दे विच ना कमियां यह है कि इंडिया वाले ना लोगों पसंद आ रही है चीज़ जां लोगों के इत्थे तक नहीं जा रही, वो आई थिंक थोड़ा बिजनेस नू ज़्यादा प्रैफर करते हैं, तो लोगों को वो चीज़ कि वधिया लगेगी मे बी उन्होंने कट, क्योंकि साड़ी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, एंड उहदे विचों डिसाइड करना कि किहड़े बंदे नू की पसंद है वो आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट भी है। लेकिन जेड़े प्रोड्यूसर्स आ उन्होंने पता कि उन्होंने किहड़ी चीज़ हिट हो रही है ना, तो आई थिंक उन्होंने इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आई डोंट नो यार, क्योंकि ना शायद मे बी साढ़े जड़ा इधरला जड़ा उहदे विच थोड़ा सूफिज़म घट देखदा, फोक घट देखदा, तो वैसटर्न की जो फीलिंग ज़्यादा आती है, दैट्स वे मे बी लोग उस चीज़ को अडोप्ट नहीं कर पाते मे बी, क्योंकि देखो मेहनत सारे करते हैं, कोक स्टूडियो इंडिया वाले भी बहुत मेहनत कर रहे होने हैं, ठीक है। लेकिन उही चीज़ है कि वह चीज़ क्लिक नहीं हो रही, जेडे पाकिस्तान वाले है उन्होंने पता कि चीज़ कितने क्लिक करनी है, तो उन्होंने वो चीज़ को जोड़ा समेट लिया। सो एंड कोक स्टूडियो वाले की यह भी गल पाकिस्तान वाले की कि ये नवे टैलेंट को बहुत मौका देंगे, साढ़े इंडिया वाले जेडे ऑलरेडी इस्टैबलिश्ड एंड फेमस सिंगरस है मे बी उन्होंने ज़्यादा मौका देंगे जेकर देखा जाए तो आई थिंक, पर हुण उहदे विच फर्क पैना शुरू हो जाना क्योंकि हुण वक्रे वक्रे जोनर्स तो आ देखो जिहड़ा हुण आया कोक स्टूडियो भारत मे बी इन्होंने वो चीज़ सीख ली है। इहदे विच देखो अपना पंजाबी बंदा कंवर गरेवाल, ठीक है, तो इहदे विच भी पंजाबी है, होर भी आ हरियाणे की स्टेट तो चक्के आ राजस्थानी लगते पे आ, सो ये हुण ए वो चीज़ नू आई थिंक कैरी करन दी कोशिश कर रहे हैं।
ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗਾਣਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਨੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਭਾਰਤ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਇਨੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਘੈਂਟ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਲ ਟੀ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਡੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਆਹ ਸਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਆ ਆਪਣਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆਫ ਚਮਕੀਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਡੀਪ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।